सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से भी ज्यादा हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे संगीन वारदातों के आरोप लगे हैं, जिन्होंने गुरुग्राम में भी डबल मर्डर को अंजाम दिया था। एसपी हिमांशु गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों ने करीब 6 महीने पहले गुरुग्राम के रहने वाले एक पार्षद और उसके भाई को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इन्होंने मेरठ में भी प्रयाग चौधरी नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। अतुल उर्फ मोटा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वहीं इन तीनों पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तीनों दीपक शूटर गैंग के आदमी हैं। ये तीनों जो हैं, ये पूछताछ में पता लगा कि जो दीपक उर्फ बॉक्सर करके गैंगस्टर है, जो कि ओरिजिनली जितेंद्र गोगी गैंग का मेंबर था और अब जितेंद्र गोगी की क्योंकि कोर्ट दिल्ली के जो रोहिणी कोर्ट में फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी, उसके बाद दीपक बॉक्सर ही इस गैंग को चला रहा है। तो ये तीनों लोग उस गैंग के शूटर मालूम पड़े हैं और इन्होंने कई वारदातें खोली हैं जो अभी जिसमें इनकी अरेस्ट पेंडिंग चल रही है। एक जिसमें से मुख्यतः एक तो पटौदी में एक डबल मर्डर हुआ था इसी साल, जिसमें एक पार्षद मारा गया था और एक दूसरा शराब का ठेकेदार है, दोनों को गोली मारी गई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा मारी गई थी। इसके अलावा करनाल में 2 स्नैचिंग एंड लूट के मुकदमे दर्ज है। एक तो पेट्रोल पंप में लूट है, दूसरी एक गाड़ी की लूट है, वो दोनों भी इन लोगों ने करी थी। उसके अलावा मेरठ के और दिल्ली के कई और मुकदमे में ये वांटेड है। मेरठ में इन्होंने कई मर्डर कर रखे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कुल अभी तक 5 मर्डर केस ऐसे हैं, सब मिला करके दिल्ली, मेरठ और हरियाणा मिला करके कुल 5 मर्डर केसेस में ये तीनों वांटेड हैं। ऐसे ही इन पे स्नैचिंग और लूट के कई सही वारदातें हैं। 6 मुकदमे कई अभी हमें पता लगे हैं कि जो स्नैचिंग और लूट के इनके खिलाफ हैं, और 307 के भी कई मेरठ में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। कुल मिला के कुल 18 मामले आ रहे हैं जिसमें इनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग चल रही है। तो उसमें हम बाहर की पुलिस से भी टच में हैं, मेरठ पुलिस के लोग भी आए हैं और दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम लगातार टच में हैं। उनके कौन से मुकदमे हैं इसका अभी अदालत को उनको हमें पेश करके और 3 दिन का रिमांड लिया। सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये तीनों मोस्ट वांटेड बदमाश अतुल उर्फ मोटा मेरठ के चंदौली का रहने वाला है, सनी कंकरखेड़ा का रहने वाला है और एक और आरोपी नसरुद्दीन दिल्ली के पुटकला गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से भी ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। इसके अलावा हरियाणा पुलिस द्वारा भी 2 आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तीनों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया और तीनों से अब गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि कई मामलों में अहम खुलासे हो सकें। सत्य खबर के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।